हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, भागलपुर में फिर से वैकेंसी आई है और मैं आपको बताता चलूं कि ये वैकेंसी इससे पहले भी आई थी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागलपुर में, लेकिन ये कैंसिल हो गया था, इसको कैंसिल कर दिया गया था, जिसका मैंने नोटिफिकेशन भी दिया था हमारे टेलीग्राम चैनल पे। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मैंने नोटिस दिया था और मैंने एक पोस्ट क्रिएट किया था यूट्यूब पे, उस पर भी मैंने इसका नोटिफिकेशन दिया था। तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, इसको आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा एक FB पेज है, फेसबुक पेज है द मास्टर साहब के नाम से, उसको भी आप जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको जो है अपडेट और जानकारी मिल सके। ठीक है, तो वहां से भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरी बात है कि ये जो GP भागलपुर है, इसमें जो वैकेंसी आई है वो सिर्फ एक पद है, मतलब लेक्चरर का पोस्ट है, और इसमें अलग अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसके लिए पोस्ट आया है। और जैसा कि मैंने लिखा है कि सैलरी इसमें 45,000 है, तो AICT का जो नॉर्म्स है उस नॉर्म्स के हिसाब से 1400 रुपये पर क्लास के हिसाब से आपको महीने में मैक्सिमम 45,000 मिलेगा। दूसरी बात ये है कि इसके लिए जो AICTE का नॉर्म्स है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था इस वीडियो से जस्ट पहले, उसमें मैंने नॉर्म्स के बारे में भी पूरा बताया है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि लेक्चरर के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो BTEC चाहिए या BE चाहिए या आपको BSc चाहिए। ठीक है, तो ये आपको लेक्चरर के लिए जो है पद है मिनिमम। अगर आपके पास BTEC प्लस MTEC है तो आपको प्रिफरेंस मिलेगा, प्लस PhD है तो प्रिफरेंस मिलेगा। दूसरा कि इनका जो रूल होता है उसमें होता है कि अगर कोई रिटायर्ड हो चुका है और वो अप्लाई करेंगे तो प्रिफरेंस उनको भी मिलेगा। तो खैर, ये सब बातें हैं। अब जो है मैं आपको वेबसाइट पे ले चलूंगा, उस वेबसाइट पे हम देख लेंगे कि क्या डिटेलिंग आई है कि नहीं, उस वेबसाइट पे भी हम लोग चलेंगे। पहले हम लोग एडवर्टीजमेंट को देख लेते हैं कि एडवर्टीजमेंट क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये एडवर्टीजमेंट है प्रचार का कार्यालय राजकीय पॉलिटेक्निक भागलपुर बरारी भागलपुर से। इसमें यहाँ पे ईमेल आईडी दिया हुआ है, साक्षात्कार सूचना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अतिथि व्याख्याता की जो सेवा है उसको लेने के लिए जो है विभिन्न विषयों, जिसमें विषय कौन कौन है इसको आप देख लीजिए। विभिन्न विषयों कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विभिन्न विषय कहने का मतलब है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, एग्रीकल्चर, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसके लिए यहाँ पे पद खाली है, जिसके लिए सेवा लेने के लिए आवेदन जो है आप 10/8/2024 को शाम 5 बजे तक डाक या स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड के थ्रू आप दे सकते हैं, हाथों हाथ या कुरियर से जो है आपको वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो मतलब कि 10 अगस्त लास्ट डेट है, तो जल्दी से इस फॉर्म को भरिए और इसको स्पीड पोस्ट कीजिए। अब स्पीड पोस्ट करने में आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इस डॉक्यूमेंट्स को मैं बताऊंगा, इसको आपको गौर से समझना है। सबसे पहले डेडलाइन देख लीजिए, 10/8 का है, 10/8 तक आपको भेज देना है। ठीक है, अब देखिए, अब आगे बात हो रही है कि जो सब कुछ है वो AICTE के अनुरूप होगा, मान्यता वगैरह सब कुछ AICTE के अनुरूप होगा, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। अब अगर हम बात करेंगे कि रिजर्वेशन की, तो आदर्श आरक्षण रोस्टर पालन किया जाएगा, यानी अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, आपके पास रेसिडेंशियल है और अगर आरक्षित वर्ग से आप आते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। उसके लिए जो है आपको जो है जो मूल प्रमाण पत्र है वो लाना होगा। दूसरा चीज क्या है कि यहाँ पे बोला गया है कि निर्धारित तिथि को साक्षात्कार के समय अपना सभी मूल प्रमाण पत्र जो है आपको स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ लाना होगा, जिसका डेट इन्होंने नहीं दिया है। तो पहले आप 10 तारीख को भेजिएगा एप्लीकेशन 10 तारीख तक, फिर आपको वो डेट देंगे इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू फिर देना है। उसके बाद ये बोल रहे कि नियमितीकरण आदि का दावा जो आप नहीं कर सकते हैं कि हमको स्थिर कर दीजिए। दूसरा है कि साक्षात्कार के लिए कोई यात्री भत्ता नहीं दिया जाएगा। विस्तृत जानकारी और आवेदन यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भी मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ मिलेगा और कहाँ से डाउनलोड करना है, उसमें क्या क्या भरना है। ऐसे इनका वेबसाइट दिया गया है GPBGP.org, इस पर मैं ले चलूंगा आपको। ये आवेदन जो आप भेजिएगा, एप्लीकेशन जो आप भेजिएगा स्पीड पोस्ट, उसका पता है प्रचार राजकीय पॉलिटेक्निक भागलपुर, ग्राम पलसपुर बरारी भागलपुर, पिन 812003। इस पे आपको स्पीड पोस्ट करना है अपने फॉर्म को। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रिंसिपल साहब के लेटर पे। प्रिंसिपल साहब के लेटर पे देख लीजिए, यहाँ पे वो सारा कुछ दिया हुआ, 27 तारीख को इसको रिलीज किया गया है, 1781 इसका पत्रांक नंबर है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रिंसिपल साहब का साइन भी आप देख सकते हैं, लेटेस्ट है 27 वाला। कभी कभी क्या होता है कि जो कैंसिल हो जाता है, कोई कोई यूट्यूबर उसी को अपलोड कर देते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये 27 जुलाई को ये अपडेट किया गया है, जो साक्षात्कार पहले कैंसिल कर दिया गया था।
अब आइए हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म पे चलते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसा होगा। देखिए ये जीपी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागलपुर का वेबसाइट है। जब आप इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन पे जाइएगा तो यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट है जो अभी मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का टेम्पलेट है जिसमें लिख रहा है कि अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप इस पे क्लिक करिएगा तो दोस्तों आपको ये आ जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें जो है आपको नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ पे फोटो चिपकाना है, परमानेंट एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर, किस ब्रांच से है, उसके बाद यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैट्रिक, ISC, डिप्लोमा, MTech, PTech, PhD और टीचिंग एक्सपीरियंस है, एक्स्ट्रा कोई करिकुलर एक्टिविटी वो भी है, और यहाँ पे सिग्नेचर करना है। तो ये आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका ये है कि आप जो है हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल से भी इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा कि इसको डायरेक्ट डाउनलोड करने के लिए मैंने लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करिए, जो आपको स्पीड पोस्ट करना है, जो आपको क्या करना है, स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है। पहले सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म जो अभी मैंने बताया है उसको डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है। दूसरा 10th से लेके आपका बीटेक या जहां तक आपका क्वालिफिकेशन है वहां का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट होगा। तीसरा, आप अगर बिहार के रहने वाले हैं तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। चौथा, अगर आप OBC से हैं तो OBC NCL। पांचवा, कास्ट सर्टिफिकेट अगर SC ST से है। छठा, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और सातवा, आपको आधार कार्ड का जेरोक्स, और जो है इसके अलावा अगर आपके पास और भी कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, ये सब आपको सेल्फ अटेस्टेड करके, ये सब क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड करके आपको पते पे भेजना, जो पता मैंने ऑलरेडी दिखा दिया, मैं फिर से दिखा दूंगा। जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा तो इन्हीं सब डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल लेके आपको जाना है, उन्हीं सब का डॉक्यूमेंट लेके ओरिजिनल आपको जाना है। मैं फिर से आपको पता दिखा देता हूँ, इस पते पे आपको भेजना है। देख लीजिए दोस्तों, पता ये है आवेदन का पता, प्रचार राजकीय पॉलिटेक्निक भागलपुर, ग्राम पोस्ट बरारी भागलपुर, पिन 81203 पे आपको इसको भेजना है। हमारा जो FB पेज है उसको भी आप फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक पे आप सर्च कीजिएगा द मास्टर साहब, वहां से आपको ये मिल जाएगा। तो इतनी सारी बातें हैं, इसमें और कोई डिटेलिंग आपको चाहिए तो मुझे बताइए, मैं आपको उसमें यथासंभव कोशिश करूंगा आपके इसको सॉल्व करने का। थैंक यू वेरी मच।